नमस्ते गुरु। नमस्ते गया भाड़ में। कैसी आदमी हो तुम? ये क्या ढंग है तुम्हारा? मैं तुम्हें समझ लूंगा। एक मिनट, मैंने ये क्या ढंग है तुम्हारा? जो कोई भी मुझसे मिलने आता है तुम उसे बाहर खड़ा कर देती हो कुत्ते की तरह। इतना तो सोचना चाहिए, इतने बड़े आदमी हमारे घर पधारे हैं। जाओ जल्दी से चाय बना के लाओ इनके लिए। आइए गुरु। नहीं नहीं, अरे गुरु क्यों अपनी ही जान के दुश्मन बनते हैं? कुछ ही महीनों पहले आपकी टांगों का ऑपरेशन हुआ था। अब देखिए यूं खड़े खड़े टांगों पर कितना बोझ पड़ता है। देखिए आप, देखिए मेरा तो कुछ नहीं, खाओ हाँ आपको दोबारा ऑपरेशन न करवाना पड़े। डॉक्टर ने कहा था कि कुछ दिन टांगों को आराम मिलना चाहिए, इसीलिए कह रहा हूँ। इसे अपना ही घर समझिए। के ख्याल से आपकी इस जबरदस्त कामयाबी का राज क्या है मिस्टर रामकुमार? किस्मत? जी नहीं, प्यार। मुझ में कभी ना बड़ा आदमी बनने की चाहत थी न काबिलियत। मैं जो भी बना हूं किसी के प्यार में बना हूं। प्यार में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। क्या हम वो खुशनसीब लड़की का नाम पूछ सकते हैं? नाम क्यों, आप थोड़ा सा सफर कीजिए, बहुत जल्द मैं खुद ही उस लड़की को आपके सामने पेश करूंगा। क्या बात है राम भैया, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ, अपने गांव में पहला स्कूल खुल रहा है और फिर उसका उद्घाटन मेरे हाथों हो रहा है, खुशी की बात तो है ही। अच्छा तो सिर्फ स्कूल के उद्घाटन की खुशी है और कोई बात नहीं? और क्या हो सकती है? स्कूल उद्घाटन। राधा, लेकिन आप यहाँ? तुम इतने दिनों बाद लौटे हो ना राम, मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ही तुम्हारा स्वागत करूं। स्कूल फंक्शन के बाद आप हवेली पर चल के आराम करेंगे सरकार। हाँ, और आपका भोजन भी वही होगा सरकार। जी हाँ, यहाँ जो भी बड़े आदमी पधारते हैं उनका स्वागत यहाँ के जमींदारी करते हैं। तेज सिंह जी। वेलकम वेलकम राम कुमार जी, वेलकम। इस छोटे से घर में इतने बड़े कलाकार का स्वागत करते हुए मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रहा हूँ। यकीन मानिए आज का दिन तुम्हें जिंदगी भर नहीं मिल सकता। पधारिए पधारिए।
आइए। आपके तो नौकर चाकर भी इससे ज्यादा खूबसूरत मकानों में रहते होंगे। लेकिन इस पिछड़े इलाके के छोटे से गांव में बस यही सबसे ज्यादा खूबसूरत मकान है। आइए मैं आपको अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। ये है चौधरी हरभजन सिंह जी, बहुत बड़े जमींदार हैं। पूर्व में इनके 100 एकड़ चावलों के खेत हैं, पश्चिम में इनके 200 नारियल के पेड़ हैं और उत्तर में इनके आम का बागीचा है जिसमें सिर्फ 2000 पेड़ हैं। आइए इनसे मिलिए। ये है राय साहब केराशनाथ जी, दिल्ली में इनके डेयरी फार्म में 5000 भैंसे हैं और 500 गाय जी। आइए इनसे मिलिए। यह है श्री जमुना प्रसाद जी, धनबाद में इनकी कोयले की कान है। और ये है दीवान लालचंद जी, जो के हीरों के व्यापारी हैं। आप क्या इन सबको जानते हैं? ठाकुर साहब अपने मेहमान का यूं ही खड़े रहेंगे? क्षमा कीजिए, पधारिए पधारिए, आइए आइए बैठिए। थैंक यू। पहचाना मुझे? अब भी नहीं? देखो दूर से देखो, पहचाना? अब राम, पेटूराम, यहां से कोई नहीं हिलेगा। हेलो मत, घबराओ नहीं तेज सिंह, मैं तुम्हारी चमड़ी नहीं उधेड़ूंगा, क्योंकि आज तुम्हें कमजोर पाकर अगर मैं भी तुम पे हाथ उठा दूं तो तुम में और मुझ में फर्क ही क्या रहेगा। उठो उठो गोपी। ये रहे तुम्हारे वो 10 लाख। लाने को तो मैं बहुत ला सकता था, लेकिन बात इतने की ही तय हुई थी। ये लो, ये लो, और ये भी लो, पूरे 10 लाख। अब बुलाओ राधा को। मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती? मैं खुद ही बुलाता हूं। राधा, 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 कहाँ है राधा? बोलते क्यों नहीं? कहाँ है राधा? अब तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। मतलब वो शादी करके अपने पति के घर चली गई है। झूठ बोलते हो तुम, भक्ते हो। राधा मेरे सिवा किसी के साथ शादी नहीं कर सकती। तुम मुझे धोखा देना चाहते हो?
बताओ राधा कहाँ है? बताओ बताओ वरना मैं तुम्हारा गला ना बनूंगा। बोलो बोलो राधा कहाँ है? सच है सर, राधा सर कुछ शादी करके चली गई। नहीं, ये नामुमकिन है। राधा ऐसा कभी नहीं कर सकती, मैं जानता हूं। तुम और तुम सब लोग मेरे गवाह थे। उस दिन भी मैंने कहा था अपनी जबान से पलट मत जाना तुम लोग। लेकिन तुम लोगों की जबान क्या और ईमान क्या, तुम सब इस तेज सिंह की चापलूसी करने वाले घटिया लोग। ध्यान सिंह जी। ध्यान सिंह भैया। हाँ। तुम्हें बताओ हाँ। राधा कहाँ है? देखो सच सच कहना। सच सच यही है रामू भैया कि राधा मेम साहब ने किसी किसी और से शादी कर ली। हाँ